हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 107 फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हम स्टेज वन डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब स्टेज टू, थ्री और फोर में से कुछ क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेज टू में क्वेश्चन नंबर वन में एक कंडक्टिंग शेप दे रखी है, उस पर चार्ज है, कुछ पॉइंट बोल रखे हैं ए बी सी डी, इस तरह से दे रखे हैं। तो इनके बारे में पूछा हुआ है कि पोटेंशियल किस तरह से है इन पर। तो देखो, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो कंडक्टर के अंदर कोई भी दो पॉइंट के बीच में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो ई जीरो होने की वजह से कोई भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो पोटेंशियल क्या बोल सकता है? कॉन्स्टेंट। तो कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है और वो सरफेस तक सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल ए पर है वो बी पर है, वही सी पर है, वही डी पर है, ये पोटेंशियल सेम वाले पॉइंट है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आए, थर्ड में दे रखा है कि दो चार्ज जो है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे रखे हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए, उनके बीच में फोर्स एफ है। अब 25% ऑफ चार्ज जो है अपोजिट चार्ज से वो, तो पहले फोर्स जो था एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू, दोनों आपस में अपोजिट थे, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, या एक को नेगेटिव लिख देता हूँ एक बार, फिर मॉड ले लेते ये। अब क्या किया, 25% ऑफ चार्ज जो है एक से दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, तो अब नया फोर्स क्या हो गया? पहले इक्वल मैग्नीट्यूड के, सॉरी मैग्नीट्यूड इक्वल है, 25% एक से दूसरे में ट्रांसफर किया तो इसके पास रह गया 75%, 3/4। दूसरे के पास ट्रांसफर किया तो इसने पॉजिटिव चार्ज दूसरे को ट्रांसफर किया जिसके पास पहले से नेगेटिव था, तो इसके पास 25% चार्ज बढ़ा नहीं, उसका भी कम हो गया ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल चार्ज तो कंजर्व है दोनों पे, तो उस पर हो गया -3/4 q/r², पहले भी टोटल मिला के चार्ज जीरो था, अभी भी जीरो है। अब ये वाला जो फोर्स है इसमें बाकी वैल्यूज को देखें तो ये हो गया 9/16 ऑफ प्रीवियस फोर्स, तो पहले वाले फोर्स का 9/16 टाइम्स ये हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दो पार्टिकल है, इक्वल मास है एम, चार्ज क्यू, और 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करे तो क्यू बाई एम की वैल्यू कितनी है? तो देखो, दो चार्ज है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा। अब अगर कहीं नहीं मूव करे तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया 1/4πε₀ q₁ q₂ / r² और ये फोर्स बैलेंस हो रहा है ग्रेविटेशनल से g₁ m₂ / r² से। अब इसमें पूछा किसका वैल्यू है, क्यू बाई एम का, तो क्यू बाय एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गई जी 4πε₀ स्क्वायर था, हटा दो रूट आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी अगर इनके बीच में कोई फोर्स नहीं है तो, फोर्थ हो जाएगा। सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर एट में दे रखिए रिंग है, रेडियस आर है, चार्ज जो है वो क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर, और इसके एक्सिस पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया और 2r डिस्टेंस पर, तो क्या इसको रिलीज करने पर क्या होगा? तो देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके एक्सिस पर एक चार्ज रख दिया स्मॉल q माइनस का, तो इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स आएगा, कितना आएगा? तो कुछ x डिस्टेंस मान लो, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है k q x बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू चार्ज, ये इस पे फोर्स आया, ठीक है। अब किस तरह का मोशन है, तो अट्रैक्ट तो कर रहा है, जैसे यहां से अट्रैक्ट होता हुआ जाएगा सेंटर तक अट्रैक्ट करेगा, जैसे आगे जाएगा तो वापस खींचने लगेगा, आगे जाके कहीं रुकेगा फिर वापस आएगा, तो इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन है इसका। अब ऑसिलेटरी मोशन SHM हो जाता है अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, लेकिन यहां पर नीचे भी एक्स है, अगर ये वाला एक्स का टर्म बहुत कम हो, अगर x बहुत कम हो r से तो SHM बोल सकते हैं क्योंकि नीचे वाला टर्म हटा देंगे, लेकिन यहाँ पर r से छोटा नहीं है क्योंकि 2r डिस्टेंस पर है, तो SHM नहीं बोल सकते, ऑसिलेटरी मोशन है लेकिन SHM नहीं है, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में CaCl क्रिस्टल बता रखा है और इसमें पूछा हुआ है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द 8 CsIn ऑन द सीज, तो क्लोरीन वाले जो आयन है इस पर ये मिला के नेट फोर्स कितना लगा रहे, ये पूछा हुआ है।
तो देखो ये बिल्कुल सेंटर पे है क्लोरीन, और उसके अराउंड जो चार्जेस है पॉजिटिव चार्ज वो इससे इक्वल डिस्टेंस पे और यूनिफॉर्म है सारे के सारे। तो कोई भी एक डायगोनल वाले दो सीजियम एटम ले लो, तो उनको देखोगे तो दोनों इसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। कोई भी डायगोनल वाले दो हमने लिए, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये वाला इधर करेगा अट्रैक्ट, दोनों डायगोनल पे अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट सेम डिस्टेंस पे, कैंसिल आउट। ऐसे दूसरे डायगोनल, दूसरे डायगोनल देखते जाओगे कैंसिल होता जाएगा, तो ओवरऑल इस पे फोर्स है जीरो। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें, फोर चार्जेस माइनस क्यू कॉर्नर पे रख दिया एक स्क्वायर के, क्यू चार्ज जो है उसके सेंटर पे रख दिया, तो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो अगर सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तो उस पर तो फोर जीरो आ गया, क्योंकि तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन की वजह से ओवरऑल तो बैलेंस हो रखा है, रिपल्शन भी होता तो भी बैलेंस हो रहा होता, लेकिन हमें पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है, इस पर भी फोर्स जीरो करना है, तो इस पर फोर्स इसकी वजह से आएगा रिपल्शन के क्यू स्क्वायर बाय साइड स्क्वायर, इस पर आ जाएगा इधर रिपल्शन के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसकी वजह से रिपल्शन आएगा के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू ए डिस्टेंस, तो रूट टू ए का स्क्वायर टू ए स्क्वायर, बाकी तीन का देखा इसका नहीं देखा। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, ये दोनों का रिजल्टेंट भी मिला के इधर ही आना है, ये खुद भी इधर ही आना है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट इस तरफ आ गया, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो टू, तो वन बाय टू तो ये है, इसका कॉम्पोनेंट आएगा कॉस 45 मतलब वन बाय रूट टू एक्स्ट्रा, वन बाय रूट टू एक्स्ट्रा, तो वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, रूट टू हो जाएगा, तो इनकी वजह से नेट रिजल्टेंट फोर्स इधर है। अब इसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स अट्रैक्शन नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये अगर बैलेंस हो गया इससे तो हो जाएगा ये इक्विलिब्रियम में, तो इसका फोर्स लिख दो के क्यू वन क्यू टू बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ए बाय रूट टू, ए रूट टू का हाफ, तो ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर, बैलेंस करेंगे तो के क्यू बाय ए स्क्वायर तो कैंसिल कर दो, के क्यू बाय ए स्क्वायर तो कैंसिल कर दो, यहाँ रह गया क्यू वन बाय टू प्लस रूट टू, और इधर रह गया स्मॉल क्यू, वन अपॉन रूट टू था ऊपर आके टू हो जाएगा, डिवाइड में ले जाओ इधर टू, इतना चार्ज अगर होगा तो ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ये चार्ज की वैल्यू होनी चाहिए, और चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी फोर्थ ऑप्शन, थर्ड सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए बोला हुआ है, और केवल ग्रेविटी है और इसकी वेलोसिटी देखते जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर है तो उसकी वजह से इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, शुरुआत में ग्रेविटी लगा लेकिन एयर रेजिस्टेंस की वजह से धीरे धीरे ये स्लो होता जाएगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जाएगा, और एक कंडीशन आएगी जिसके बाद ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, क्योंकि एम जी उससे बैलेंस हो रहा होगा एयर रेजिस्टेंस से, तो एयर रेजिस्टेंस जैसे इसको बैलेंस करेगा उसके बाद ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से फॉल होता रहेगा, नॉर्मल जैसे हम किसी रेन ड्रॉप की बात करते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, रेन ड्रॉप में भी ये कि ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट से आ रही है, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी मिलनी चाहिए, मिलती नहीं है, तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद उसकी वेलोसिटी फिर कॉन्स्टेंट हो जाती है, सेम यहाँ पर इसके साथ होगा मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। क्वेश्चन नंबर 18, अगर इसको नहीं लेंगे तब हम बोल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। 18 में रेडियस ऑफ टू स्क्वायर ए एन बी और इक्वल पोटेंशियल है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो पूछा हुआ है, तो पोटेंशियल को सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में रख दो कि सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाय आर। अब इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, के को क्यू को लिख रहा हूँ चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, तो पोटेंशियल सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल सिग्मा और आर पे डिपेंडेंट है, दोनों का पोटेंशियल सेम बोल रखा है, तो एक का पोटेंशियल पहले के रेडियस है ए, दूसरे का सिग्मा टू
बी बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा वन बाई सिग्मा टू इक्वल्स टू बी बाई सेकेंड ऑप्शन यू जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है और मास बता रखा है, प्लेट्स के बीच में स्टेशनरी है, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन बोल रखा है 0.9 और पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑयल ड्रॉप। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से, और उसकी वजह से क्या होता है कि इस ऑयल ड्रॉप पे डाउनवर्ड एम जी ऊपर की ओर क्यू ई से बैलेंस होता रहता है। ठीक, तो क्या करना है, एम जी और क्यू ई को बैलेंस करना है, तो एम 1.8 × 10⁻¹⁴ जी की वैल्यू 10 ही ले लो, इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हुए, तो मैं मान लेता हूँ एन इलेक्ट्रॉन है इस पे और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना हुआ तो ये इस पे चार्ज हो गया, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दे रखा है, तो डी वी बाई डी आर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वी बाई आर ही बोल दो, वैल्यू केवल चाहिए तो वी बाई डी बोल रहा हूँ, माइनस साइन नहीं लिख रहा हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर 2000 बाई आर की वैल्यू है 0.9 सेंटीमीटर, जिसको कन्वर्ट करेंगे माइनस टू से। इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे एन की वैल्यू कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 तो क्वेश्चन नंबर 25 देखना है। तो देखो 25 में क्या बोल रखा है, एक चार्ज स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पे सेंटर से, मतलब इनसाइड पोटेंशियल V है, तो 15 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल कितना होगा। तो जो आउट इनसाइड पोटेंशियल बोला हुआ है तो किसी स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल तो वही होता है जो सरफेस पे होता है, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर से मतलब नहीं है, यहाँ तो मतलब है किससे, रेडियस से 10 सेंटीमीटर से। तो V जो बोल रखा है वो है के क्यू बाई आर, और पूछा कहाँ है 15 पे पूछा हुआ है, तो 15 पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आउटसाइड स्मॉल आर होता है 15, तो V डैश बाई V की वैल्यू आ जाएगी, V डैश पहले लिख रहे हैं 15, V बाद में लिख रहे हैं 10, तो 2/3 V के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। तो इनसाइड पॉइंट बोला हुआ था इसलिए सरफेस का पोटेंशियल ही लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछ दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है, तो V की वैल्यू गिवन है और वो भी एक्स वाई जेड में दे रखी है, एक्स वाई जेड में दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें लिखना है ग्रेडियंट V। अब ग्रेडियंट का मतलब क्या था, एक्स के रेस्पेक्ट में अलग डिफ्रेंशिएट करो वो एक्स कॉम्पोनेंट बताएगा, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई कॉम्पोनेंट बताएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पूरे पोटेंशियल वाली वैल्यू को, तो एक्स का टर्म तो फर्स्ट ही है केवल, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे डिफरेंशिएशन पे, तो -5x का डिफरेंशिएशन 5, और यहाँ पे माइनस था और इसके आगे माइनस लगता ही दे रखा है पहले से, प्लस आई कैप। वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल 3 बचेगा जे कैप, ये इधर माइनस रहने दो ये बाद में लगा दे। Z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो X और Y वाले टर्म 0, केवल Z वाला टर्म रहेगा √15 k कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आ गया। पूछा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 15 √15 का स्क्वायर, पूरे का रूट।
तो ये आ गया 15 प्लस 9, 24 प्लस 25, 49, 7 यूनिट आ जाएगी, ठीक है 26 में। 29 क्वेश्चन नंबर 29 में पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है x इक्वल्स टू 2 पर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है, v और x के ग्राफ से, जैसे अभी देख रहे थे ये तो पूरा कंटिन्यूस हर डायरेक्शन में था, dv बाय x के टर्म में है तो केवल dx, इसका मतलब स्लोप हो गया ये vx ग्राफ का स्लोप, उसके नेगेटिव लगा देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। अब दो पर पूछा हुआ है तो दो पर देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, पैरेलल टू x एक्सिस, तो x इक्वल्स टू 2 पर स्लोप इसका जीरो है। अब स्लोप जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 29 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ प्लेट्स दे रखी है, चार शीट दे रखी है और पूछा हुआ है कि पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो देखो पी पॉइंट जो है ऊपर वाली प्लेट के अकॉर्डिंग नीचे की ओर है, तो ऊपर वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, कितना आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि चार्ज शीट बोल रखी है कंडक्टिंग प्लेट नहीं बोल रखी है। नीचे वाली जो प्लेट है माइनस 2 रो सिग्मा वाली, वो नेगेटिवली चार्ज, अगर इसको पॉजिटिव बोला तो वो नेगेटिव होगी, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव खुद की तरफ आएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब नेगेटिव नहीं लगाना है, डायरेक्शन लिख चुके अपन। फिर नीचे एक और माइनस सिग्मा है, उसकी वजह से भी यहाँ पर टुवर्ड्स चार्ज आएगा और वह आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑल आ गया 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन डाउनवर्ड माइनस के कैप, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 30 के बाद 35 में स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर, चार्ज क्यू और एक दूसरा चार्ज दे रखा है क्यू जो इसके सेंटर पे रख दिया, तो पोटेंशियल बताना है पी पॉइंट पर जो आर बाई टू डिस्टेंस पर है सेंटर से। तो देखो फिर से क्या बोल रखा है, स्फेयर के अंदर बोल रखा है पॉइंट, तो अगर स्फेयर के अंदर है तो स्फेयर के अंदर पोटेंशियल कितना जो सरफेस पे, तो के क्यू बाई आर के बराबर आया, और दूसरा चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है तो सेंटर वाले की वजह से पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ये तो सरफेस पे जो था शेल ऑफ रेडियस आर चार्ज, ठीक, दूसरा इसके जो सेंटर पे रखा हुआ है उसकी वजह से पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर डिस्टेंस, तो इसकी वजह से तो इनसाइड ये आया आर रेडियस है, और जो चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे उसकी वजह से आर बाई टू डिस्टेंस पर पोटेंशियल ये आया। दोनों को ऐड कर दूँ तो ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 36 के बाद 36 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा है दो पॉइंट्स पर, जो दो पॉइंट है ए और वन और टू, तो 60 डिग्री पर है तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है एक और दो के बीच में। तो देखिए इसमें एक और दो पे पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एक और दो पे सीधे बात मत करो, एक से तीन पे देख लो और तीन से दो देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल कम होता है और उसके परपेंडिकुलर नहीं बदलता, तो तीन और दो के बीच में तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो जो एक और तीन में आएगा वही एक और दो में आएगा। अब ये डिस्टेंस डी है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस हो गई डी 60 है ना ये, तो ये डिस्टेंस हो गई डी कॉस 60, डी कॉस 60 मतलब डी बाई 2, तो यहाँ से यहाँ गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ जाने पर पोटेंशियल डिफरेंस आया ई इंटू डिस्टेंस। कहाँ पे जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन में कम हो रहा है, तो तीन पे कम है एक पे ज्यादा है, एक और दो को कंपेयर करना है तो एक और दो को बोल दो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आया यहाँ पे। अब इसमें कॉस थीटा लिखा हुआ है नीचे कॉस 60, तो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रखा है कि बहुत सारे चार्ज दे रखे क्यू और वो 1, 2, 4, 8 ऐसे रखे हुए, तो ये पूछा हुआ है पोटेंशियल कितना होगा कहाँ पर, x बराबर 0 पर, तो एक x बराबर 0 पर पोटेंशियल पूछा हुआ है, पहला क्यू रखा हुआ है 1 पर, दूसरा क्यू रखा हुआ है 2 पर, तीसरा क्यू रखा हुआ है 4, 8 ऐसे रखे हुए है ना। अब इनसे
कुछ रिलेशन लग रहा है, ये 2, 4, 8 डबल हो रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, डबल हो गया, ये 2 की पावर 3 है, 8 हो गया, इस तरह से होते जा रहे हैं। तो डबल होते जा रहे थे, ये हो गया रिलेशन इनमें। अब इनकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालूंगा, पहले की वजह से KQ/R, दूसरे की वजह से KQ/R डिस्टेंस यहाँ से, तीसरे की वजह से ऐसे लिखूंगा, KQ सब में कॉमन आ गया, तो ये क्या आ गया, 1 + 1/2 + 1/2 का स्क्वायर + 1/2 की क्यूब 2 की पावर 3। ऐसी अगर सीरीज होती है जिसमें फिक्स वैल्यू बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 1/2 से, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और शुरुआत वाली जो टर्म है वो 1 है, और आगे बढ़ते बढ़ते अगर ये छोटा होता जा रहा है सीरीज, तो इसका जो समेशन आएगा, वो समेशन जो आएगा इसका, ये आ जाता है a/(1-r), ये आ जाता है, a मतलब फर्स्ट टर्म, r मतलब किससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो ये हो गया 1/(1-1/2), इसका समेशन 2 आ जाएगा इस सीरीज का, ये 2 हो गया तो ये आ गया 2KQ के बराबर, ठीक है। केवल टर्म प्रोपोर्शनल निकाले तो केवल टर्म हटा दो तो कितना आ गया 2Q। एक चीज गड़बड़ कर दी ना, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन के हैं, पहला पॉजिटिव है फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो यहां पर ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, तो इस बार मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, माइनस आधे से कर रहे हैं, माइनस हाफ से कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, तो माइनस हाफ से कर रहे थे, यहां पे माइनस हाफ लिखोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 2/3, तो ये पोटेंशियल आ गया KQ 2/3 के बराबर, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 38 में प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है। 38 के बाद 42, तो क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रखा है कि 2 वायर रिंग है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, रेडियस r है, एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है, और एक पे चार्ज है प्लस q, दूसरे पे माइनस q, तो दोनों के सेंटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे, यहाँ पे प्लस q और ये माइनस q, इनके बीच के डिस्टेंस d, खुद के वजह से सेंटर पे पोटेंशियल आएगा KQ/R, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल आएगा KQ/ ये वाला r, KQ/ ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है r² + d² का रूट, ये होता है रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो माइनस इसके सेंटर का पोटेंशियल है, खुद की वजह से आएगा KQ/R खुद के सेंटर पे, इसकी वजह से आएगा ये KQ/R, ये इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये आ गया KQ/R, तो सब में से कॉमन ले लो, लिया हुआ है क्या ऑप्शन में, नहीं, तो KQ सब में से कॉमन लिया, ये 1 और 1 2 हो गए, और ये था माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस ये और आ गया साथ में 1/√r² + d² दिया जाएगा ओवरऑल वैल्यू, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन ले रखा है, इसको 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट बोल रखा है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। 42 के बाद 44 में क्या बोल रखा है कि ए से बी जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतना वर्क करता है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो वी सी माइनस वी ए पूछा हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है दोनों, उनका डिफरेंस पूछा हुआ है। तो पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन में कम होता है, कम होता है, इसका मतलब सी पे ज़्यादा है ए पे कम है। तो वी सी माइनस वी ए आना तो पॉजिटिव चाहिए अपना, पहले साइन देख लिया। अब पॉजिटिव साइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी या वर्क पूछा, वर्क दे रखा है, वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर, अपॉन चार्ज कर दोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको चार्ज से डिवाइड कर दिया, चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये चार आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट का और पॉजिटिव है, क्योंकि सी पे पोटेंशियल ज़्यादा है ए पर कम है। 44 के बाद 49 के अंदर एक पार्टिकल का मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है और जब पार्टिकल की स्पीड बतानी है, जब उनके बीच में सेपरेशन जो है वो 10 मीटर का हो गया, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया के, वैल्यू लिख रहा हूँ के की, के Q1 Q2 बाय आर, पहले डिस्टेंस थी 1 मीटर, बाद में डिस्टेंस हो गई 10 मीटर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया के Q1 Q2 बाय R1, पहले के Q1 Q2 बाय R2 बाद में, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में गया। तो हाफ m 2 ग्राम बोल रखा है m वी स्क्वायर, और शुरुआत में 0 था, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, ये जो भी एनर्जी में चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन हमें करनी है इसमें, तो 9 × 10⁹ तो कट गया और ये रह गया 9/10, और इधर से 10⁻³ इधर गया, ये वी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी, 10 से कैंसिल कर दोगे 2, तो ये रह जाएगा 9 × 9 × 10 × 10, ये रह गया ना, इसका रूट 90 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 49 के बाद क्वेश्चन नंबर है 51 में इनको कॉर्नर पे रखने पे कितना वर्क करना पड़ेगा वो पूछा हुआ है। तो इनको कॉर्नर पे रखने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वही तो इस सिस्टम की एनर्जी बोलते हैं। तो सिस्टम की एनर्जी के लिए इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन कैसे लिखें, हर एक का पेयर बना दें या तो, या हर एक की एनर्जी लिख के उसका आधा कर दें। तो पहले की एनर्जी लिखोगे एक की एनर्जी लिख रहा हूँ के Q1 Q2 बाय 2 की वजह से, 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 की वजह से इसकी एनर्जी आई, 1 की 4 की वजह से एनर्जी इतनी आएगी वो भी नेगेटिव है, 1 की 3 की वजह से एनर्जी पॉजिटिव आएगी के Q² बाय √2 डिस्टेंस है वहां से, ये पहले की एनर्जी है। अब दूसरे वाले की एनर्जी लिखोगे सेकंड की, तो सेकंड वाले की एनर्जी फर्स्ट की वजह से नेगेटिव आएगी इतनी, सेकंड वाले की थर्ड की वजह से एनर्जी आएगी इतनी नेगेटिव, सेकंड वाले की फोर्थ की वजह से एनर्जी आएगी इतनी पॉजिटिव, तो सेम आनी है दूसरे की भी, तीसरे की भी आएगी, चौथे की भी आएगी, सबकी एनर्जी ऐड के डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये दोगुना हो गया। तो के Q² बाई ए कॉमन ले लें तो डबल को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 4 प्लस का 2/√2, तो √2 बन गया, ये इसकी एनर्जी टोटल आ गई, ठीक है। तो ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछा हुआ है, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर ही है। 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 में 2 डायपोल दे रखे हैं पी और 64P के, और एक ही लाइन पर 25 सेंटीमीटर पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं, तो 0 कहाँ पे होगा, तो P से डिस्टेंस वो बतानी है। तो एक डायपोल रखा हुआ है कुछ इस तरह से, दूसरा इस तरह से रखा हुआ है, इनके बीच में कोई पॉइंट पर पूछा हुआ है, ये P, ये 64P, इससे किसी एक डिस्टेंस पर पूछा हुआ है और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर यहाँ पर।
अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, अपोजिट आएगा, कैंसिल हो सकता है। तो एक की वजह से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा के टू के पी बाय आर क्यूब, दूसरे की वजह से लिख दिया टू के पी बाय आर क्यूब 25 माइनस एक्स का क्यूब। के पी कैंसिल, टू के पी कैंसिल हो गया, रूट ले पावर 1/3 ले लो, तो 1/x बराबर 64 की पावर 1/3 16 × 4, तो 4 की पावर 3 है ये, 4 की पावर 3 तो ये आ जाएगा 4, 25 माइनस एक्स, ये 25 माइनस एक्स बराबर 4x, 5x बराबर 25, तो x बराबर 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, 54 के सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। 58 में बोला है कि होलो सिलेंडर चार्ज क्यू जो है इसके अंदर रखा हुआ है, फाई जो फ्लक्स है कर्व सरफेस से बता रखा है बी से, तो ए से कितना फ्लक्स होगा, तो देखो जो फ्लक्स ए से पास हो रहा है प्लस बी से पास हो रहा है प्लस सी से पास हो रहा है वो टोटल फ्लक्स होगी इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ए और सी से फ्लक्स बराबर भी है और ये पूछा हुआ है, तो ए और सी से जो फ्लक्स है उसको बराबर बोलते हुए 2a बोल दिया, और बी से जो फ्लक्स है वो बता रखा है फाई, इधर ले लिया माइनस फाई, तो ए से फ्लक्स जो हो गया वो हो गया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई बाई 2, सेकेंड हो जाएगा ऑप्शन। 58 हो गया। 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा रूट एक्स, तो इस क्यूब्स के अंदर चार्ज कितना है वो बताना है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल एक्स में, वाई जेड कॉम्पोनेंट जीरो है, तो इस क्यूब से जो भी फ्लक्स पास होगा टोटल फ्लक्स वो इस एक्स वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही है, और एक्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस सरफेस और इस सरफेस को क्रॉस करता हुआ जाएगा, इससे फ्लक्स जीरो है सामने वाली से, पीछे वाली फ्लक्स से फ्लक्स जीरो है, ऊपर और नीचे वाले से फ्लक्स जीरो। अब इसके करस्पॉन्डिंग एक्स का मतलब जीरो है, इसका करस्पॉन्डिंग एक्स का मतलब साइड लेंथ ए है, सही। तो यहां पे एक्स इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो रखते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो गई, यहां पे एक्स इक्वल टू ए रखते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई अल्फा रूट ए, तो इससे फ्लक्स कितना पास हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है ना, तो इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये स्क्वायर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोल सकते हैं क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड की वैल्यू आ गई यहां से कि एप्सिलॉन नॉट अल्फा ए की पावर 5/2, ये टोटल इनसाइड चार्ज यहां पर आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में था तो इससे और इससे फ्लक्स पास होगा, केवल ऐसे पास होती हुई जा रही लाइनें, बाकी किसी से नहीं पास हुआ। जब इससे पास हुआ तो यहाँ पे x बराबर जीरो है, हर पॉइंट पर x बराबर जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया क्योंकि अल्फा रूट एक्स है, यहाँ पे x की वैल्यू a है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया अल्फा रूट है, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स लिख सकते हैं e इंटू a, फ्लक्स आ गया, फ्लक्स को q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया आगे कैलकुलेशन में। 83 क्वेश्चन नंबर 83 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कौन सी सही है वो बतानी है, तो पहले में बोल रखा है कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर नहीं होती है, नहीं बना रखी, लेकिन कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलर भी होती है, तो पहले में जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है वहीं पे दिख रही है तिरछी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बहुत सारी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसलिए पहला गलत हो गया। अब सेकंड में क्या है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के ऊपर वाले पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में तो जा रही है, लेकिन फिर नीचे क्या है कि नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव में जा रही है, वो गलत हो गया, सेकंड इसलिए गलत है। थर्ड में भी ऐसा ही हो रहा है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के पॉजिटिव में जा रही है, गलत है। फोर्थ केवल सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से दे रखी है, सही। क्वेश्चन नंबर 84 क्वार्क, तो क्वार्क के लिए बोला था कि ये अनस्टेबल चार्ज हम बोल सकते हैं, अंदर केवल न्यूक्लियस के अंदर हम बोलते हैं इसको, तो प्रोटोन को हम बोल सकते हैं कि प्रोटोन ये अब क्वार्क का चार्ज है, डाउन क्वार्क का चार्ज 1/3 माइनस का, तो प्रोटॉन दो अप क्वार्क प्लस एक डाउन क्वार्क से बनता है, और न्यूट्रॉन जो है वो एक डाउन क्वार्क, दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से बनता है, तो फर्स्ट हो जाएगा। 84 के बाद 85 में पूछा क्या है, इसमें कितना डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वाई की वैल्यू पूछी,
तो वाई की वैल्यू पूछी है, तो ये एक तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया, क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज पे वो इधर की ओर लगेगा, क्यू ई बाई एम, एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है क्योंकि क्यू ई बाई एम कॉन्स्टेंट है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, शुरुआत की वेलोसिटी के, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। डायग्राम उल्टा बना रखा है हमने, इस तरह से बनाया था, तो इस तरह का कंडीशन हो गया इस चार्ज के लिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि ये कितना नीचे जाएगा जब एल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो रेंज जब एल है तो हाइट कितनी हो जाएगी। तो रेंज का फॉर्मूला था आर, जो यहाँ पे एल है, इक्वल्स टू यू, यू ये रहा, अंडर रूट टू एच जो पूछा हुआ है, अपॉन जी, जी के बजाय एक्सेलरेशन लिखना है, क्यू ई बाई एम। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू किसकी, वाई की। तो वाई की वैल्यू हो गई एल स्क्वायर बाई वी एक्स स्क्वायर क्यू ई डिवाइड बाय 2m, ये आएगा, ये y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये जाएगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। 85 के बाद 94 में बेंडीग्राफ जनरेटर बोल रखा है, स्फेरिकल मेटल की शेल है, 15 न्यूटन पावर 6 वोल्ट है, और डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो सराउंडिंग की है वो इतनी बता रखी है, तो मिनिमम रेडियस ऑफ स्फेयर क्या होना चाहिए। तो वेंडीग्राफ जनरेटर क्या है, चार्ज स्टोर करने के काम में आता है, कि वेंडीग्राफ जनरेटर में हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। देखो वेंडीग्राफ जनरेटर में क्या होता है कि एक स्फेयर, मेटेलिक स्फेयर होता है, और इस पर लगातार हम चार्ज देते जाते हैं। कुछ इस तरह से बोल सकते हो कि अंदर एक और स्फेयर होता है जिस पर चार्ज आता रहता है, ये कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ से चार्ज जो है वो इस बेल्ट को मिलता रहता है, मोटर की वजह से ये बेल्ट घूमता रहता है, ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज यहाँ से ऊपर की ओर चलता जाता है, फिर यहाँ से जो बेल्ट है उसको इस स्फेयर से कनेक्ट किया हुआ होता है। तो इसको कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो भी चार्ज आएगा पूरा पूरा बाहर की ओर फ्लो होता जाता है इसके अंदर, वेंडीग्राफ जनरेटर कुछ इस तरह से। अब इस पर कुछ भी पॉजिटिव चार्ज आया या नेगेटिव आया, जो भी चार्ज आ रहा है वो इधर की ओर फ्लो होता जाता है। क्यों फ्लो होगा, तो देखो जब भी वायर से कनेक्ट करते हैं तो वायर से कनेक्ट करने का मतलब होता है पोटेंशियल सेम करना। तो अगर इसका और इसका पोटेंशियल सेम है तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे, चाहे दूर बनाओ चाहे पास बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, सही है। तो यहां पर हम वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, वायर से कनेक्ट करने का मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है, और पोटेंशियल सेम कब होगा, जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो मतलब अंदर चार्ज नहीं हो, तो अंदर जो भी चार्ज यहाँ से आ रहा है पूरा का पूरा बाहर फ्लो होता जाता है। तो वेंडीग्राफ जनरेटर में यही होता है कि या किसी में भी दो होलो स्फेयर है, कॉन्सेंट्रिक है, अंदर वाले को बाहर से कनेक्ट कर देते तो अंदर का पूरा चार्ज बाहर चला जाता है इसमें, क्योंकि कनेक्ट करने का मतलब पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर वाले पे चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये था, लेकिन इसमें इतने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल बोला हुआ है कि इस पे पोटेंशियल कुछ भी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, तो इसकी रेडियस क्या है ये पूछा हुआ है बस। क्योंकि इसमें बोल रखा है कि इस पे जो पोटेंशियल है वो बोल रखा है V, स्फेयर है तो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर, इसकी वैल्यू बोल रखी है 15 × 10⁻⁶, और जो सराउंडिंग है उसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोल रखी है इतना, मतलब इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो सकता है इस पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग, कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो एयर का ब्रेकडाउन होगा और स्पार्किंग चालू हो जाएगी। तो ये बोला क्या है 5 × 10⁻⁷, आर की वैल्यू पूछिए, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर देंगे आर बच जाएगा ऊपर, तो डिवाइड 15 बाई 5 × 1/10 रहेगा,
है ना। तो ये हो गया 5 से 3, 3 बाई 10 0.3, तो 0.3 मीटर 30 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ जाएगी। स्टेज वन हो गई, स्टेज थ्री टू हो गई। स्टेज थ्री में क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि दो आइडेंटिकल बॉल है और लाइक चार्जेस है, कुछ डिस्टेंस पे है, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए और पहले की डिस्टेंस के आधे पे रख दिया और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उनके बीच में वो 4.5 टाइम्स हो गया। ठीक है, इनिशियल चार्ज का रेशियो क्या है उन पे वो पूछा हुआ है। तो देखो, पहले जो फोर्स था उसमें Q1 Q2 का टर्म आ रहा था, तो पहले फोर्स को अगर हम F बोलते हैं और क्या हो गया, डिस्टेंस कितनी है, कुछ R मान लेते हैं। दूसरी बार जो फोर्स है इसका 4.5 टाइम्स हो गया K। अब दोनों को क्या कांटेक्ट में लाए और बिल्कुल सेम एक जैसे ही है, बिल्कुल एक जैसे ही है, तो कांटेक्ट में लाने का मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम। तो अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है, रेडियस भी बराबर है, तो चार्ज भी बराबर ही होगा। तो दोनों पे चार्ज बराबर बराबर आ गया, मतलब आधा आधा बोल सकता हूँ। और डिस्टेंस कितनी कर दी, पहले की डिस्टेंस की आधी कर दी, ये बोल रखा है। इससे Q1 Q2 का रेशियो पूछा हुआ है। तो यहां से 4.5, ये 4.5, आर स्क्वायर कैंसिल करो, के कैंसिल करो, Q1 Q2 इधर, ये 4 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। सही है। अब यहां से चार्जेस का रेशियो पूछा हुआ है, तो इसको ओपन कर दो एक बार, या क्यू पूरे को Q2 से डिवाइड कर दो। तो 4.5 Q1 बाई Q2, Q2 से डिवाइड किया, अंदर स्क्वायर हो गया, Q1 बाई Q2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर भी आ गया। सही है। अब ये Q1 Q2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसको कुछ x बोल दो जिसकी वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर माइनस 2.5x प्लस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 625 माइनस 4ac, 4a और c कितना हो गया 1/2 है। तो x की वैल्यू आ गई 2.5, ये आ गया अंदर कितना आ गया 2.25/2, और ये 1.5 का स्क्वायर होता है, तो ये आ गया प्लस माइनस 1.5/2। तो x की वैल्यू आ गई, जोड़ देंगे तो आ गया 4/2, और डिफरेंस ले लेंगे तो रह जाएगा 1/2। ये तो x के दो सॉल्यूशन आ गए, और दोनों एक ही चीज़ को बता रहे थे, Q1 बाई Q2 या तो 2 हो सकता है, या तो एक ज़्यादा होगा या दूसरा ज़्यादा होगा, तो 2 और 1/2 इसके सॉल्यूशन हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 2। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि x कंपोनेंट फोर्स का कितना है इस Q पर। तो देखो, ये जो चार्ज माइनस Q1 है इस पर, इस Q2 की वजह से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा के Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर। इस नेगेटिव की वजह से इस नेगेटिव पर रिपल्शन आना है, ये एंगल थीटा है, तो जो x में आएगा इसका कंपोनेंट आएगा कितना आएगा, के Q1 Q3 बाय डिस्टेंस ए स्क्वायर, और कंपोनेंट आएगा साइन कंपोनेंट, साइन थीटा। सही है। इधर आता पूरा, इधर कॉस, इधर साइन, x की तरफ पूरा पूछा हुआ है, तो x की तरफ ये आ गया, जिसमें के Q1 कॉमन ले लें, तो बाकी हो गया Q2 बाय बी स्क्वायर प्लस Q3 बाय ए स्क्वायर साइन थीटा, जिसके प्रोपोर्शनल है वो पूछा है, तो इसके प्रोपोर्शनल है, तो प्लस वाला पार्ट कौन सा है, थर्ड हो जाएगा। इसके बाद 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का स्फेयर है, उसको लटका रखा है 6 सेंटीमीटर के स्फेयर के अंदर, और इनर स्फेयर पे जो चार्ज है उसको 3 ESU पोटेंशियल तक चार्ज कर दिया, और बाहर वाले को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है कि बाहर वाले स्फेयर पे द चार्ज ऑन द इनर स्फेयर, अंदर वाले पे कितना चार्ज आ रखा है ये बोल रखा है। तो इसका जो पोटेंशियल है वो 3 ESU है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में बता रखा है इसको, 3 यूनिट है ऐसे बोल दो। तो इस पे पोटेंशियल जो आएगा वो 3 यूनिट, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे चार्ज अगर कुछ क्यू आया तो सामने वाले पे माइनस क्यू आएगा। ग्राउंड है, ग्राउंड है तो बाहर वाले पे चार्ज बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि बाहर चार्ज आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो बाहर वाले को अगर ग्राउंड किया हुआ है तो इस तरह से ही आ गया, जीरो पोटेंशियल लाने के लिए भी बोल सकते हो। तो ये इन पे चार्ज है, तो इस पे पोटेंशियल हो गया, अंदर वाले की रेडियस है 4, बाहर वाले की रेडियस है 6, तो इसका पोटेंशियल हो गया के क्यू बाय खुद की वजह से, इसकी वजह से हो गया माइनस के क्यू बाय 6, और ये पोटेंशियल कितना बोल रखा है 3 ESU। अब होता क्या है कि ESU एक तरह से CGS इकाई बोल सकते हो, CGS यूनिट, तो ये सेंटीमीटर में चलेगा, ये भी सेंटीमीटर में चलेगा, और जब ESU की बात करते हैं तो K की वैल्यू 1 होती है ESU में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में K की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 6 - 4 2Q / 6 × 4 = 24 = 3 ESU। तो ये हो गया 12, Q की वैल्यू हो गई 36 ESU के बराबर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। 13 में एक चार्ज Q जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है होल स्क्वायर पे, रेडियस R है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, दो स्फेयर है सच दैट सरफेस चार्ज, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और दोनों पे मिला के टोटल चार्ज क्यू बोल रखा है। तो इस पे चार्ज हो गया सिग्मा इंटू 4πr² और इस पे चार्ज हो गया सिग्मा 4πR², इसको क्यू बोल रखा है। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्यू अपॉन 4πr² + 4πr², ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल पूछा हुआ है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल ऐड होगा, तो इसका पोटेंशियल हो गया वही जो सरफेस पे, इसका पोटेंशियल वो जो सरफेस पे, तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल हो गया के क्यू, ये क्यू बाय रेडियस, इसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल आया के क्यू बाय इसकी रेडियस कैपिटल आर, ये होगा, आर कैंसिल हो गया, एक 4π कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर प्लस कैपिटल आर। सिग्मा की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो सिग्मा की वैल्यू है क्यू अपॉन 4π तो कॉमन, r² + r² एक एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रह गया और एक आर प्लस आर ऊपर रह गया, तो ये पोटेंशियल यहाँ पे आ गया, तो 13 का हो जाएगा 4। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रखा है कि ये सिग्मा जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये जो पेंडुलम है इस पे इधर की ओर फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, कितना क्यू इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की वजह से कितना होगा सिग्मा बाई 2ε0, कंडक्टिंग शीट है तो सिग्मा बाई ε0 हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की ओर आएगा mg, इधर की ओर आएगा टेंशन जो वर्टिकल से थीटा पर है, अब टेंशन का वर्टिकल कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा बराबर mg और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट टी साइन थीटा बराबर क्यू सिग्मा बाई ε0। रेशियो ले लोगे तो इधर आ जाएगा टेन थीटा बराबर सिग्मा क्यू ε0 mg, पूछा है सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है तो टेन थीटा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है पहले की इनर प्लेट से छोड़ दिया तो दूसरे को टकराते टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है,
तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कर दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, तो यह आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। अब जो भी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, चेंज एक्चुअल में कमी होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। पूछा क्या है, वी की वैल्यू पूछी, ठीक है, तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्चुअल में जो वी की वैल्यू आई वो अगर काफ़ी ज़्यादा आ रही है, देख लेते हैं एक बार वैल्यू, तो ये आ गया 20 इंटू 2 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 9.11 इंटू 10 रे सो पावर 19 और ये 31 20 12 12 ही हो जाएगा, इसका रूट करना है, तो 10 रे सो पावर 6 के ऑर्डर का ये आ जाएगा। क्योंकि ज़्यादा पॉसिबल नहीं है तो हम 12 तो बोल ही नहीं सकते, 10 रे सो पावर 12, क्योंकि 8 से ज़्यादा नहीं होगा, और वैसे भी अगर ये वैल्यू ज़्यादा आने लगती तो फिर हम कुछ और रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगा के फिर सोचते, वो नहीं है अपने सिलेबस में। 21 के बाद 23 में पूछा हुआ है कि कॉमन सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, तो देखो आर्क चाहे आधी हो पूरी हो पूरा सर्कल हो, इसकी वजह से पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, रेडियस इसकी, इस आर की वजह से भी यही होगा, इसके सेंटर पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाय आर, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू की बजाय लेमडा दे रखा है, तो इस पे चार्ज हो गया लेमडा इंटू इसकी लेंथ पाई आर, इस पे चार्ज हो जाएगा लेमडा इंटू इसकी लेंथ पाई आर, तो क्यू वन क्यू टू की वैल्यू लिख दो, तो लेमडा पाई आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर प्लस लेमडा पाई आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 आर कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है, अपन ने कैलकुलेट क्या किया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इस रिंग की वजह से, तो इस रिंग की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ये वैसा ही आता है जैसा इनफाइनाइट वायर की वजह से आता है, 2k लैम्डा बाय आर, इसकी रेडियस 2r है तो 2r, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरफ आएगा अपोजिट डायरेक्शन में 2k लैम्डा बाय आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है इनकी वजह से 2k लैम्डा बाय आर, 2k लैम्डा बाय आर इस तरह से आ जाएगा। इस सेगमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर, इस सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा, वो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी अपोजिट है लेकिन कैंसिल नहीं हुए, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के लैम्डा बाय आर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा। 24 में चार्ज डेंसिटी दे रखी है और पूछा हुआ है कि अंदर वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी वेरी होती हुई है। अब अंदर वाले किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें गॉस लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन चार्ज सेम होता है हर जगह, इसमें सेम नहीं है, तो हम गॉस लॉ लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब क्यों ये तो हमेशा ही इतना ही आना है, लेकिन अंदर चार्ज कितना आया, तो अंदर चार्ज क्या बोलेंगे, चार्ज डेंसिटी कितनी है कि यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है, ठीक है, रो इंटू डीवी, एक छोटे से पार्ट का चार्ज आया उसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल चार्ज आएगा, रो कांस्टेंट होता तो रो इंटू वी बोल देते, तो ये रो छोटे से पार्ट का वॉल्यूम इंटीग्रेट करना है 0 से r तक। अब छोटे से पार्ट का वॉल्यूम क्या लिखें, तो स्फेयर के अंदर छोटा पार्ट लेते हैं होलोस्फेयर, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है इधर लिख रहा हूँ एक बार, तो ये आ गया e इंटू 4 πr² इक्वल्स टू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर कॉमन बाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर r dv का वैल्यू हो गया 4 πr² dr। ऐसे बोल सकते हो कि v को डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर
तो डीवी ये बनेगा अपना। अब इसको इंटीग्रेट करना है जीरो से आर तक, पाई भी कैंसिल कर दो, चार भी बाहर ले लो, ये आर की पावर थ्री है, आर की पावर फोर बाई फोर आएगा, फोर कट जाएगा, तो क्यू बाय आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर की पावर फोर बाय फोर कट गया, ये इंटीग्रेशन इधर आ गया और इस तरफ रह गया इन टू फोर पाई आर स्क्वायर। फोर पाई पाई कैंसिल कर दिया था अपन ने नीचे वाला, तो यहां से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर रह गया, तो ई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, आर की पावर फोर आना चाहिए था कहीं पे ना, ये फोर है, क्वेश्चन में फोर बोल रखा है अपन ने, आर स्क्वायर लिख दिया इसको, कहां गया, हाँ ये आर की पावर फोर दे रखी है चार डेंसिटी, तो ये फोर है यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसमें, तो स्टेज थ्री हो गई। स्टेज फोर ए, एक ही क्वेश्चन सही है, तो देखो स्टेज फोर ए में क्वेश्चन नंबर एक, दो पॉजिटिव आयन है और जो चार्ज है वो क्यू दे रखा है, सेपरेशन डी दे रखा है, फोर्स जो है वो रिपल्शन का जो है वो एफ बता रखा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने मिसिंग है किसी एक से वो बताना है। तो क्या पूछा हुआ है, चार्ज पूछा हुआ है एक तरह से, तो फोर्स जो था एफ वो होता है के Q1 Q2 by R square। अब F बोल दिया, K की जगह 1 upon 4 pi epsilon naught लिखोगे तो ये 4 pi epsilon naught इधर चला जाएगा, D square ऊपर चला जाएगा, इसका रूट जो आ जाएगा वो चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज को क्या लिख सकता हूँ, N टाइम्स इलेक्ट्रॉन, N इलेक्ट्रॉन अगर मिस हो गए तो N की वैल्यू पूछिए तो डिवाइड बाई E आ जाएगा, तो ये N की वैल्यू फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लक्स कितना पास हो रहा है, लेकिन क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसी की सेम प्लेन में, अगर सेम प्लेन में तो एक भी लाइन उस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही, ठीक है, अगर एक भी लाइन नहीं क्रॉस कर रही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो। फोर्थ का सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर फोर, फोर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो 3R बाई 2 डिस्टेंस पर है उसको R बोल रखा है, तो R बाई 2 डिस्टेंस पर कितना होगा, कंडक्टिंग स्फीयर है, देखो कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। क्वेश्चन नंबर फाइव, चार्ज Q जो है वो एक गॉसियन सरफेस के अंदर है, अगर रेडियस डबल कर दी जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से कितना निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब रेडियस साइड डबल करो, थ्री टाइम्स करो, कितनी भी करो, उसमें रेडियस का टर्म ही नहीं है टोटल फ्लक्स में, तो सेम ही रहेगा, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स में कुछ चार्ज रखे हुए हैं, तो ए पर पोटेंशियल पूछा हुआ है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है सबकी वजह से लिखो, तो ए के जो बिल्कुल ऊपर है इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखे, तो के क्यू बाई साइड थी इसकी 2L की, तो ये हो गया L एक की वजह से, दूसरे पॉजिटिव की वजह से, नीचे वाले पॉजिटिव की वजह से, इसकी वजह से पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई L, इस नेगेटिव की वजह से ये डिस्टेंस हो गई, ये L है, ये 2L है, तो ये डिस्टेंस हो गई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 रूट 5 L, तो इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा नेगेटिव के क्यू बाई रूट 5 L, इसकी वजह से ये भी नेगेटिव है, इतना ही फिर इसकी वजह से आना है डबल, तो
हाँ ये दोनों डबल थे इसलिए डबल यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये पोटेंशियल हो गया जिसमें के क्यू बाई एल अगर हम कॉमन ले लें टू के क्यू बाई एल तो बाकी रह गया वन माइनस वन बाई रूट फाइव। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड है क्या? ठीक है सेकंड हो जाएगा इसमें। सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर एट, एट में एक क्यूब से जो फ्लक्स है वो कितना पास होगा अगर क्यू एक कॉर्नर पे रख दिया जाए तो देखो जब कॉर्नर पे रखेंगे तो कितना चार्ज अंदर आएगा, बिल्कुल सेंटर पे रखते हो तो पूरा चार्ज आएगा अंदर, सरफेस पे रखेंगे तो आधा आधा हो गया, इधर रखेंगे तो उसका भी आधा हो गया वन फोर्थ, इस कोने पे रख दिया तो वन बाई एट चार्ज अंदर आएगा। ये ऐसे बोल दो कि ये जो चार्ज है ये एट क्यूब से घिरा हुआ रहेगा, नीचे वाले एट क्यूब और ऊपर वाले एट क्यूब, सॉरी फोर ऊपर फोर नीचे, तो एट क्यूब से ये घिरा हुआ है तो हर एक के हिस्से में क्यू बाई एट आएगा, तो क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होगा। एट के बाद क्वेश्चन नंबर टेन, टेन में दे रखा है चार चार्ज है माइनस क्यू क्यू टू क्यू और टू क्यू और स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं, तो क्यू और क्यू में क्या रिलेशन होगा कि अगर पोटेंशियल सेंटर पे जीरो हो जाए। अब स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं सभी के लिए डिस्टेंस तो बराबर हुई, तो सीधा पोटेंशियल के लिए चार्ज ही जोड़ दो क्योंकि के क्यू बाई आर तो सेम है सब में के बाई आर, तो पहला चार्ज है माइनस क्यू प्लस टू क्यू प्लस टू क्यू, ये हो गया टोटल और इसको जीरो बोल रखा है, तो ये कितना रह गया क्यू, ये दोनों कितना रह गए क्यू, तो क्या रिलेशन आया एक दूसरे के नेगेटिव, थर्ड आंसर हो जाएगा। टेन के बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, ट्वेल्व में बोल रखा है कि वाई अगर वाई बाय टू हो जाए तो जो आर है वो कैसे बदल जाएगा, ठीक है। तो वाई और आर में रिलेशन निकाल ले पहले कि ये इधर की ओर फोर्स लगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, नीचे की ओर फोर्स लगा एम जी और जो इधर की ओर टेंशन फोर्स है वो वर्टिकल से थीटा पर है, तो टी कॉस थीटा या टी साइन थीटा बराबर तो है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और टी कॉस थीटा जो है वो है एम जी के बराबर। रेशियो ले लिया दोनों का तो इधर टेन थीटा और टेन थीटा कितना आएगा हाइट बाय आर बाय टू, सही है ना, ने उल्टा लिख दिया टेन थीटा बराबर आर बाय टू बाय वाई इस ज्योमेट्री से, तो यह आ गया के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एम जी, तो यहां से दिख रहा है कि आर क्यू प्रोपोर्शनल टू वाई है ना, तो आर क्यूब अगर वाई के प्रोपोर्शनल है तो वाई आधा करते ही इधर पहले आर था जब वाई था, इधर अब आर डैश है जब वाई बाय टू कर दिया, रेशियो ले लिया दोनों का, रेशियो लिया तो ये वन बाई टू हो गया, तो आर डैश की वैल्यू हो गई आर बाय टू की पावर वन बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ट्वेल्व के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, फोर्टीन में पोटेंशियल दे रखा है और इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है, ये अपन पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, पोटेंशियल दे रखा है डिफरेंशिएट करो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनटू चार्ज कर दो, ठीक 14 हो जाएगा। 18, 18 में दो आइडेंटिकल चार्ज जो है यही क्वेश्चन है ऐसा ही, अब जो वेलोसिटी है वो किस तरह से डिपेंड करी है, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि दो आइडेंटिकल चार्ज जो है वो लटका दिए, इनके बीच में सेपरेशन डी है और जो लेंथ है वो वाई बहुत वाई के कंपैरिजन में डी बहुत छोटा है, तो लीक हो रहा है चार्ज उनसे कांस्टेंट रेट से, तो एक दूसरे को अप्रोच करने की जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, तो देखो यहां तक सिचुएशन सेम है 10 थीटा। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये लेंथ एल है ये आर बाय टू है, थीटा बहुत कम है क्योंकि आर छोटा है, आर छोटा है तो यहां पर भी वही हो गया, थीटा कम है तो 10 थीटा को एल बाय आर बाय टू बाय एल लिख सकते हैं, तो ये का ये रिलेशन यहां पे आया, सही। तो ये है कि आर क्यूब जो है वो के क्यू स्क्वायर बाय एन टू टू एल इस तरह से कुछ प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे क्या एक चार्ज लीक हो रहा है उससे आर कैसे वेरी हो रहा है वो निकालना है, वेलोसिटी उची है तो चार्ज जो है क्यू वो प्रोपोर्शनल हो गया आर की पावर थ्री बाई टू के, ऐसा ही हुआ चार्ज लीक हो रहा है तो डी क्यू बाई डी टी चार्ज के लीक होने की रेट प्रोपोर्शनल किसके होगी, आर की पावर थ्री बाई टू का डिफरेंशिएशन करोगे तो थ्री बाई टू आर की पावर थ्री बाई टू माइनस वन डी आर बाई डी टी,
और dr by dt क्या, इनके बीच में सेपरेशन जो, तो उसके कम होने की रेट जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, तो वेलोसिटी r के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड हो जाएगा 18 के बाद 19 में बोल रखा है कि सपोज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में चार्ज जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन पे थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा है। अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो हाइड्रोजन एटम्स में कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं वो जीरो है, तो ये जो डेल्टा ई है ये किस ऑर्डर का होगा वो पूछा हुआ है। तो देखो दो हाइड्रोजन एटम बोल दिए कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में वैसे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, ठीक है। तो इस पे ओवरऑल चार्ज हो गया हाइड्रोजन एटम पे, एक पे ओवरऑल चार्ज कितना हो गया प्लस डेल्टा ई, डेल्टा ई क्यों हो गया, प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है तो चार्ज ओवरऑल डेल्टा ई इस पे, डेल्टा ई इस पे, तो फोर्स हो गया के, वैल्यू पूछिए ना, तो के Q1 Q2 by R square ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो रहा है, तो G M1 M2 हाइड्रोजन है एक प्रोटॉन के लगभग ही मास हुआ, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कम है, by R square ये कैंसिल हो गया, यहां से डेल्टा E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस दे रखी है, A से B ले जा रहे हैं, तो पहले में ए से बी ले जा रहे पोटेंशियल डिफरेंस आया 10 से 40 30 का, दूसरे में भी 10 से 40, तीसरे में भी 10 से 40, चौथे में भी 10 से 40, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम चार्ज है, तो सेम वर्क इसमें करना पड़ेगा, तो चारों केस में सेम वर्क है। क्वेश्चन नंबर 20 23 एक होलोमेटेलिक स्फीयर है, आर रेडियस है, यूनिफॉर्म चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किस तरह से होगा, तो होलोमेटेलिक स्फीयर की वजह से हमें पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो कंडक्टर के अंदर, और बाहर जो होगा वो होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो बाहर आर स्क्वायर की फॉर्म में डिक्रीज होता हुआ, इनसाइड जीरो, और तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि जीरो एज आर इंक्रीज फ्रॉम, कि आर की वैल्यू जब छोटी है तब तो जीरो है और बाहर जो है वो डिक्रीज हो रहा है आर के बढ़ने के साथ साथ, तो फोर्थ हो जाएगा। 24 देखें, दो इनफाइनाइट वायर है, लेमडा चार्ज डेंसिटी बता रखी है, इनके बीच में टू आर डिस्टेंस थी और इनके बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लेमडा बाई आर, दूसरा नेगेटिव है तो उसकी वजह से भी दरी आएगा, तो इसका डबल हो जाएगा तो 4 हो गया, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो 4 कट जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये इनके बीच में फोर्स आ जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना डिस्कशन खत्म होता है, नेक्स्ट में कैपेसिटेंस अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।